हर गर्भवती महिला की ये जानने की काफी ज्यादा इच्छा होती है कि उसका गर्भ में शिशु किस तरह से विकास कर रहा होगा, उसका आकार कितना होगा, वह दिखने में कैसा होगा और गर्भावस्था के कौन से महीने में शिशु के कौन से अंग विकसित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल तंदुरुस्त इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे महीने दर महीने गर्भावस्था के दौरान शिशु किस तरह से विकास करता है और शिशु के कौन कौन से अंग विकसित होते हैं। प्रेगनेंसी का पहला महीना, जब आपकी माहवारी की तारीख निकल जाती है, यानी कि जब आपका पीरियड मिस होता है, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, यह आपका प्रेगनेंसी का पहला महीना है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में भ्रूण का विकास तेजी से होता है। जैसे ही फर्टिलाइज अंडा बढ़ता है, इसके चारों ओर एक पानी की तंग थैली बनती है जो धीरे धीरे तरल पदार्थों से भर जाती है। इसको एमनियोटिक सैक या फिर एमनियोटिक थैली कहा जाता है। यह भ्रूण को कुशन करने का काम भी करती है। इसमें शिशु का विकास होता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद प्लेसेंटा भी विकसित होती है और प्लेसेंटा को हिंदी में गर्भनाल कहा जाता है। और गर्भनाल बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है शिशु के विकास के लिए। गर्भनाल के जरिए शिशु तक पोषण पहुंचता है और गर्भनाल से ही शिशु का विकास होता है। गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण का चेहरा बनने लगता है। उस पर आंखों के बड़े काले घेरे दिखाई देते हैं और अब उसके मुंह, निचले जबड़े और गले का विकास हो रहा होता है। रक्त कोशिकाएं आकार ले रही होती हैं, जिसके बाद ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी के 4 सप्ताह के अंत तक भ्रूण का छोटा सा हृदय 1 मिनट में 65 बार धड़केगा। पहला महीना जब आपका खत्म होने वाला होगा, तब आपका बच्चा लगभग 1/4 इंच लंबा हो जाता है, लेकिन अभी भी वह काफी ज्यादा छोटा है। इस समय भ्रूण एक चावल के दाने के बराबर है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में शिशु के शरीर का अहम विकास शुरू होता है। हालांकि दूसरे महीने के अंत तक शिशु का वजन 7 ग्राम और आकार लगभग एक राजमा के बराबर होता है। दूसरे महीने में आपके बच्चे के चेहरे की विशेषताओं का विकास होना जारी रहेगा। उसकी छोटी सी पूंछ भी है, हालांकि यह पूंछ जैसे जैसे प्रेगनेंसी की स्टेज बढ़ती जाएगी, यह पूंछ अपने आप गायब हो जाएगी। शिशु के सभी अंगों में नरम हड्डियां, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, वे बन रही हैं। उसके बाजू अब लंबे हो रहे हैं और ऊपरी बाजू हाथों से अलग दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। आपको अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन आपका शिशु गर्भ के अंदर हिलने डुलने लगा है। अब पाचन तंत्र और जो सेंसरी अंग हैं, उनका भी विकास होना शुरू हो चुका है। हड्डी अभी कार्टिलेज को बदलना शुरू कर देती है और बच्चे का सिर शरीर के बाकी हिस्सों के अनुपात में अभी थोड़ा बड़ा है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके बच्चे की हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां पूरी तरह से बन गई हैं। अब आपका बच्चा मुट्ठी को बंद कर सकता है और खोल भी सकता है। उंगलियों के नाखून, पैरों की उंगलियां विकसित होने लगी हैं। बाहरी कान पूरी तरह से बन गए हैं। आपके बच्चे के प्रजनन अंग विकसित होने लगे हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे को लिंग को पहचानना अभी थोड़ा मुश्किल है। तीसरे महीने के अंत तक आपका बच्चा पूरी तरह से बन जाता है। सभी अंग मौजूद हैं और ये सभी अंग परिपक्व हो रहे हैं, सभी अपने कार्य कर रहे हैं। बच्चे की मूत्र प्रणाली भी काम कर रही है और साथ ही साथ तीसरे महीने के अंत तक आपके शिशु का जो आकार है, वह लगभग 4 इंच के बराबर है और इस समय शिशु का वजन 28 से 30 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना, प्रेगनेंसी का चौथा महीना गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा आरामदायक होता है, क्योंकि इस समय अधिकांश महिलाओं को उल्टी आना, मतली आना, मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्याओं से काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। इस समय गर्भवती महिलाओं के पेट में हल्का सा उभार आ जाता है, हालांकि अभी भी आपको देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि आप गर्भवती हैं। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बच्चे की दिल की धड़कन को डॉपलर की सहायता से सुना जा सकता है। उंगलियों और पैरों की उंगलियों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। दांत और हड्डियां सघन हो रही हैं। पलकें, भौहें, नाखून, बाल बन चुके हैं। भ्रूण अभी जम्हाई भी ले सकता है और अपने चेहरे पर खिंचाव भी ला सकता है, यानी कि अपने चेहरे पर अलग अलग अनुभूतियां बना सकता है। चौथे महीने के आसपास शिशु अपने अंगूठे को चूस सकता है।
प्रजनन और जननांग अब पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। अब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पर देख सकते हैं शिशु लड़का है या फिर लड़की। हालांकि भारत में गर्भ में लिंग का पता लगाना गैर कानूनी है और चौथे महीने के अंत तक भ्रूण की लंबाई 6 इंच और आपके शिशु का वजन 150 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। प्रेगनेंसी का पांचवा महीना। प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में शिशु की लंबाई लगभग 10 इंच और शिशु का वजन लगभग 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब हो चुका है। प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में शिशु के सिर पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे का शरीर महीन बालों से ढका हुआ है। शिशु के मसल्स बनना शुरू हो चुके हैं। हाथों और पैरों में फिंगरप्रिंट बनना शुरू हो चुके हैं। शिशु की त्वचा अभी पारदर्शी है और धीरे धीरे गुलाबी से लाल होना शुरू हो चुकी है। प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में शिशु गर्भ में घूमना शुरू कर देता है और आप अपने बच्चे को पेट में घूमता हुआ महसूस करेंगे, यानी कि बच्चे की हलचल को बहुत सारी गर्भवती महिलाएं महसूस करना शुरू कर देती हैं। जब भी शिशु अपनी मांसपेशियों को बनाने और व्यायाम करने की कोशिश करेगा, तब वह आपको अपने पेट में घूमता हुआ महसूस होगा और इस पहली मूवमेंट को क्विकनिंग कहा जाता है। उसके होंठ अब अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उसकी आंखें बंद पलकों के अंदर तेजी से इधर उधर घूम रही है। यदि आपको गर्भ के भीतर शिशु की हलचल अभी महसूस नहीं हुई है तो घबराए ना। पांचवें महीने के दौरान कुछ महिलाओं को शिशु की हलचल महसूस नहीं होती, लेकिन छठे महीने के दौरान आपको शिशु की हलचल अवश्य महसूस होगी। प्रेगनेंसी का छठा महीना। प्रेगनेंसी के छठे महीने के अंत तक शिशु का वजन लगभग 700 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है और शिशु की लंबाई 13 इंच के आसपास पहुंच चुकी है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में शिशु की त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं और उसकी त्वचा हल्की गुलाबी से लाल होनी शुरू हो चुकी हैं। बच्चे की पारदर्शी त्वचा के माध्यम से नसें दिखाई देने लगती हैं। शिशु के हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों के निशान दिखाई देने लगे हैं और प्रेगनेंसी के छठे महीने में पलकें अलग होना शुरू हो जाती हैं, आंखें खुलने लगती हैं और प्रेगनेंसी के छठे महीने में शिशु की हलचल को सोनोग्राफी के जरिए आसानी से देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा हलचल शिशु की इसी महीने में होती है। गर्भावस्था के छठे महीने में कमर दर्द, घुटनों में दर्द, पेट दर्द की समस्या आम होती है और इस महीने प्री मेच्योर डिलीवरी होने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी का सातवां महीना। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में शिशु का वजन 1.5 किलो के आसपास हो जाता है और लंबाई 15 इंच के आसपास हो जाती है। इस समय बच्चा गर्भ में करवट लेने लगता है। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में शिशु का काफ़ी हद तक विकास हो चुका होता है। बच्चा अपनी आंखें खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है और जब आप अपने पेट में टॉर्च की सहायता से रोशनी डालेंगे तब आप महसूस करेंगे शिशु रोशनी को देखने के लिए अपना सिर घुमाएगा, जो आपको महसूस हो जाएगा। प्रेगनेंसी के सातवें महीने के दौरान शिशु के शरीर पर चर्बी चढ़ने की वजह से शिशु की त्वचा अब कम झुर्रीदार हो चुकी है। प्रेगनेंसी का आठवां महीना। प्रेगनेंसी के आठवें महीने में शिशु का पूर्ण विकास हो चुका होता है। शिशु का वजन इस समय 2 किलो 300 ग्राम तक हो जाता है और लंबाई 18 इंच के करीब हो जाती है। प्रेगनेंसी के आठवें महीने में शिशु की धड़कन को आप आसानी से महसूस कर सकती हैं। प्रेगनेंसी का आठवां महीना वह समय है जब अगले कुछ हफ्तों में शिशु का वजन प्रतिदिन 28 से 30 ग्राम बढ़ेगा। संभव है कि आप केवल अपने पेट को देखकर ये बता पाएं कि शिशु किस तरह से हलचल कर रहा है और प्रेगनेंसी के आठवें महीने में शिशु सर नीचे कर लेता है, यानी कि वह सेफली पोजीशन में आ जाता है और यह पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे उत्तम पोजीशन मानी जाती है। प्रेगनेंसी का नौवां महीना। प्रेगनेंसी के नौवें महीने में पहुंचने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब कुछ हफ्तों बाद आपका शिशु आपकी गोद में होगा। प्रेगनेंसी का नौवां महीना गर्भावस्था का आखिरी चरण होता है। कई बार नौवें महीने की शुरुआत में भी शिशु का जन्म हो जाता है, जो कि सामान्य बात है और जरूरी नहीं है कि जो डिलीवरी की ड्यू डेट आपके डॉक्टर ने आपको दी उसी दिन या उसी डेट में ही आपका शिशु जन्म लेगा। इससे 1 या 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद शिशु का जन्म होना सामान्य है।
प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शिशु अपनी स्थिति को बदल कर नीचे की तरफ आ जाता है और इस समय शिशु का सर नीचे की तरफ होता है। और शिशु के वजन की बात करें तो इस समय शिशु का वजन 2.5 किलो से लेकर 3.25 किलो के बीच में हो सकता है। और यह समय गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी भरा हो सकता है, किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और प्रेगनेंसी की आखिरी चरण में डॉक्टर आपकी स्थिति को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन डिलीवरी कर सकते हैं। और आपको हमेशा आपको अपने डॉक्टर से सहयोग करना है और डॉक्टर के बताए अनुसार चलना है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।